मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल एंड वेलकम टू मैथ्स क्लास. राइट, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर, वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. राइट, in the last class we discussed about the ratio of the trigonometric functions, that is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta. और हमने एक फॉर्मूला लगाया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, और उसके थ्रू हमने रेशियो फाइंड किया था. और हमने टेबल को क्रिएट करना भी सीखा था लास्ट क्लास में, हम टेबल को कैसे बनाए. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है. अब उस आज हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो हम फर्स्टली वी क्रिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. अब मैं इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना रहा हूं और इस साइड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. उसकी वैल्यू को आप कैसे पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इधर अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा. दिस इज 0 डिग्री, ये एंगल हमारा क्या हो गया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज द 60 डिग्री और दिस इज द 90 डिग्री. राइट, ये बात समझ में आ गई. डिग्री हो गया और ये वाला 90 डिग्री. राइट, अब हमें क्या निकालना है, इन सब की वैल्यू डिटरमिनेशन करनी. आपके लिए बच्चों, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो इस टेबल को सबसे पहले आप उसको बोर्ड की कॉपी जो भी होती है उसमें आप क्रिएट कर लें, ताकि आपको आसानी रहे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. टाइम पहले रहता है आपको, तो आप इसको पहले सॉल्व कर ले. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री. अपन मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था आपको, आप सब्जी लेने जाते हो, कुछ भी मेमोर नहीं होता, 0. ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, 1/4 पार्ट. अगर कम मेंबर होते तो पाव सब्जी लेके आते हैं, 1/4. ठीक है, थोड़े ज़्यादा होते हैं तो अपन क्या करते हैं, आधा किलो लाते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं तो 3 पाव, 3/4 और 1 kg. राइट, हमने ये बताया था कि इन सब वैल्यूज़ का आपको क्या करना होता है, अंडर रूट लेना. राइट, क्या करते हैं अपन, अंडर रूट लेंगे. तो यहाँ पर 0 का जब हमने रूट लिया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 0. ये कितनी हो गई, 1/4 का लिया तो 1/2. दिस इज कॉल्ड 1/√2 और दिस इज कॉल्ड √3/2 और 1 का रूट हुआ 1. भाई 1/4 का किया तो 1/2, 1/2 का किया तो 1/√2 और 3/4 का किया तो √3/2 और 1 का रूट किया तो 1. अब आपको क्या करना है, cos थीटा की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो आपको वो वैल्यू इधर शिफ्ट करनी, दैट इज 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0. राइट, और आप लोग सब जानते हैं tan थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, sin थीटा और cos थीटा का डिवाइडेशन कर. राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 0/1, 0. ये 2 से 2 कैंसिल हुआ भाई, 1/2 और इसका डिवाइड में अपन ने क्या क्या हुआ है, √3/2. तो 2 कैंसिल, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 × 2/√3. 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 1/√3. ये कितना हो गया, 1. √2 से √2 कैंसिल हो गया. ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल होते, ये क्या हो गया, √3 और 1/0 हो गया, इनफाइनाइट. राइट, cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप जो भी tan थीटा की वैल्यू आ रखी है उसको इधर शिफ्ट कर दो ना, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, 1 और 0. राइट, cos थीटा निकालने, sec थीटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/0
वन अपॉन जीरो, यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल कर देंगे आप अपन इसका, तो वन का आपने रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया, वन ही आएगा आपके पास में। cos थीटा का किया तो ये कितना आ गया, टू बाई रूट थ्री, और ये हो जाएगा cos थीटा का रेसिप्रोकल किया तो रूट टू, ये कितना हो गया टू, और इसका जीरो का रेसिप्रोकल किया तो आपके पास में कितनी आ जाएगी वैल्यू, इन्फाइनाइट आएगी या नहीं आएगी, वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट फॉर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फाइनाइट, राइट। अब अपन sec cosec थीटा लेने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इन्फाइनाइट टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री और वन, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान रखना बच्चों, जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको टेबल में से वैल्यू पुट कर सकते हो, जितने डिग्री की एंगल आपको दे रखा होता है उसको अपन एंगल में रखना है, राइट। आपको उसको क्या करना है, एंगल